घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगाया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी आरोपियों पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई का ऐलान किया है। एमसीडी आज और कल ये अभियान चलाएगी। निगम ने इस कार्रवाई के लिए सुरक्षा की डिमांड की थी। इसके बाद जहांगीरपुरी में भारी तादाद में पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। निगम की टीम ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस बुधवार को मशहूर कवि कुमार विश्वास के घर पहुंच गई। विश्वास ने खुद घर पहुंची पुलिस की तस्वीरें पोस्ट की। कुमार ने ट्वीट किया, दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की ताकत से खेलने दे रहे हो, वह एक दिन मान और पंजाब को धोखा देगा। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि विश्वास के खिलाफ क्या केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका, जो थाने के बाहर ही फट गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2067 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1547 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 10 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 50 करोड़ 60 लाख हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.47 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर माफी मांगी है। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर नियमों को नहीं तोड़ा या सांसद को गुमराह नहीं किया था। उन्होंने पूछा कि अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ केक काटना कोई पार्टी है। पिछले सप्ताह जॉनसन पर लॉकडाउन में पार्टी करने के लिए £50 का जुर्माना लगाया गया था। कोरोना संक्रमण से परेशान दिल्ली कैपिटल्स का सामना आईपीएल के 32वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली की टीम में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सोमवार को कराई गई जांच में टीम के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज हफ्ते का तीसरा दिन बुधवार आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। लगातार 14वें दिन वॉलमार्ट हीटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया है। कंपनियों ने करीब 14 दिन पहले पेट्रोल के रेट 85 पैसे और डीजल के दाम 75 से 85 पैसे तक बढ़ाए थे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 278 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,741 पर खुला। निफ्टी में भी 87 पॉइंट की बढ़त रही या 17,045 पर खुला। सबसे ज्यादा बढ़त ऑटो, रियल्टी और मीडिया के स्टॉक्स में है।